बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास कुछ खबरें आई हैं आपसे संबंधित, ठीक है? तो बोलिए। हाँ, हम लोग ये चला रहे थे, लेकिन हमने सोचा चलो चलाने से पहले आपसे एक बार बात कर लें इस संबंध में कि आपकी क्या राय है। तो बोलिए ना, क्या बात है? इसमें इसी संबंध में है, ये आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि मतलब आप जो है विपक्ष में रहते हुए है, आप सरकार के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें आप देखे जा रहे हैं बहुत ज्यादा, और आप में ये भी आरोप है कि आप कांग्रेस ऑफिस में बिजनेस मीटिंग करते हैं। आप पे ये भी आरोप है कि आप कांग्रेस ऑफिस में बिजनेस मीटिंग करते हैं, वो पार्टी वार्टी मीटिंग नहीं करते हैं। कांग्रेस ऑफिस में बिजनेस मीटिंग? हाँ जी, कौन बोला? अब हमें पता लगा कहीं से, अब कौन बोला ये मैं नहीं बता सकता ना सोर्स आपको। गलत बात है, कोई मेरा अगेंस्ट वाला होगा ये बोलते होगा नहीं कांग्रेस आपके ऑफिस में? ऊपर, क्या आपके ऊपर बहुत बिजनेस सारे ये लगाए गए। हमारा क्या ऑफिस नहीं ना, हमारा घर नहीं? देखिए हमारे पास जो खबर आई है वो तो इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है? और चूंकि मैं रिकॉर्डिंग भी इसलिए चल रहा है क्योंकि मैं आपका व्यूज जानना चाह रहे थे, मतलब आप क्या इस पे, मतलब आपका व्यूज है कि यह गलत है या सही है, मतलब ये जो आरोप आप पे लग रहा है इस पे आप क्या कहना चाहते हैं, हम ये जानना चाह रहे थे। कुछ नहीं, झूठ बात है, झूठ बात है कांग्रेस? हाँ बिल्कुल। लेकिन सर आपके ऊपर तो बहुत सारे आरोप लग रहे हैं ना, एक आरोप हो तो बात अलग है। वो है ना, एक ग्रुप चलाते हैं, ग्रुप प्रेसिडेंट होने के लिए चाहते हैं। कौन चलाते हैं? एक है, क्या नाम, मकीम, मोहम्मद मकीम। क्या नाम है? मोहम्मद मकीम, मोहम्मद मसीम। अच्छा, एमएलए। अच्छा, देखिए सर आपके ऊपर कुछ गंभीर आरोप भी हैं, इसलिए हमने सोचा कि आपसे एक बार बात कर लें कि बात सही है या गलत है, जो भी है, क्योंकि हम तो भाई हमें तो खबर मिली थी, हमें खबर चलानी होती है ना सर, तो हम तो झूठ है, तो हम इसलिए हम बिल्कुल झूठ है। मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा एक बार आपसे फोन पे बात कर लें भाई क्या दिक्कत है क्या है। नहीं, मेरा कुछ दिक्कत नहीं, कोई तो कांग्रेस पार्टी में से है ना आदमी, कोई कोई सब जगह में कोई नहीं के निकलता है, कांग्रेस का हालत है इसे। नहीं तो आपके ऊपर ये भी आरोप है कि आप अपने लोगों को टिकट दे रहे हैं, जो 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 आपके खासम खास होते हैं उसका उस पे, उसको आप मतलब प्रायोरिटी रूप से टिकट दे रहे हैं, ये भी आरोप है आपके ऊपर? हाँ हो सकता है, जो टिकट मिल गया उसको पीसीसी प्रेसिडेंट दे दिया, और जो इसको नहीं मिला तो पीसीसी प्रेसिडेंट दिया नहीं, और अच्छा, क्या अच्छा तो कमिटी तो आपका ये थे जितेंद्र सिंह थे और ऑब्जर्वर थे, सीएलपी लीडर थे और वर्किंग प्रेसिडेंट दो थे, हम एक दे दिया टिकट। तो मतलब ये जितना भी आरोप है, पांच छह आरोप हैं आपके ऊपर, तो मतलब ये झूठे हैं सर? ये बिल्कुल झूठ है। अच्छा, बिल्कुल झूठ है, कोई किसको हो, अगर हाई कमांड देना चाहते हैं, किसको प्रेसिडेंट करना चाहते हैं करने दीजिए, हम इतना किसी का पीछे दौड़ने वाला नहीं है प्रेसिडेंट में रहने के लिए। अच्छा अच्छा, कोई अच्छा आदमी मिले तो दे देने से अच्छा होगा, और कांग्रेस का अच्छा होगा। अच्छा, कांग्रेस में तो अच्छा होना चाहिए ना। अच्छा, आप मतलब खुद भी मतलब ये चाहते हैं कि हम मतलब प्रदेश कांग्रेस ये कमेटी का अध्यक्ष मतलब इस्तीफा देना चाहते हैं, आपकी मतलब ऐसी इच्छा है? अगर ये हम चाहने से रह सकते क्या? नहीं, ऊपर वाला चाहेंगे, ऊपर वाला चाहेंगे चेंज करना चाहिए, हम तो रह गया दो तीन साल। नहीं तो सर, किसी को चाहने सर तो आपके ऊपर ये भी आरोप है सर कि मतलब ये बोला जा रहा है कि आप जो है कांग्रेस अध्यक्ष के ये हैं, मतलब प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके ऊपर सर ये आरोप भी तो लग रहा है कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और चुनाव में मतलब मनमानी करने का आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप मतलब चुनाव में मनी क्या हुआ मनी? नहीं, जैसे आप जैसे बोल रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मतलब भगवान चाहेंगे या ईश्वर चाहेंगे तो मतलब रह सकते हैं, वो तो उनके हाथ में, जो भी है चलिए,
लेकिन आरोप तो सर आपके ऊपर ये भी लग रहा है कि आप चुनाव में मनमानी कर रहे हैं। मनमानी कर रहे हैं? हाँ, इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में एआईसीसी ऑफिस में पूछ लीजिए, एक ही रुपया दिया है उड़ीसा को। अच्छा, एक रुपया दिया? ठीक है। उड़ीसा का इलेक्शन में एमपी लोग को छोड़ के और एक रुपया दिया असेंबली इलेक्शन में? अच्छा, ठीक। एक रुपया, हम 100 रन नहीं बोलते हैं, एक रुपया बोलते हैं। तो अमर साहब तो चला गया और हमारा जो बुढ़ा क्या हमारा ट्रेजरर, हेलो, वो भी चला गया। अभी तो जितेंद्र सिंह जिंदा है। अच्छा, उसको पूछ लीजिए, हमको नहीं पूछ के उसको पूछ लीजिए। अच्छा अच्छा, वो हमारा प्रभारी थे। अच्छा, प्रभारी थे। लेकिन सर जितेंद्र सिंह, लेकिन सर अध्यक्ष तो आप है ना अभी? हाँ, तो आपके ऊपर तो सबसे बड़ा आरोप तो ये लग रहा है कि मतलब आपके की मतलब आप जो है सरकार में, आप विपक्ष में हैं और विपक्ष में रहते हुए आप सरकार के साथ ज्यादा देखे जाते हैं, जबकि विपक्ष में तो आप हाँ कोई कहाँ भी नहीं, कहाँ नहीं जाता। एमएलए लोग, एमपी लोग जाते हैं सब गवर्नमेंट मीटिंग को। अच्छा, हम कभी नहीं जाते हैं। आप नहीं जाते हैं? एक ही मीटिंग हम गया था। हाँ, जो जगन्नाथ प्रभु मीटिंग था, हम जिसको मानते हैं भगवान बोल के, पास ये टेंपल का तरफ से इनवाइट किया था जगन्नाथ जी का फंक्शन, वहीं गए थे एक ही बार। और कभी भी नहीं गए। और जो घूमते हैं ना यहाँ से ओडिशा से जाकर घूमते हैं एसीसी ऑफिस 24 नंबर में, यही बात सब बोलते हैं। वो भी बोलने दीजिए। अच्छा अच्छा सर, एक बात और बताइए, आप दो चीजें और हैं अभी, चलिए ये इसका तो जवाब हमें मिल गया, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि युवा कांग्रेस जो है वो आपके साथ नहीं रहना चाह रहे हैं। हाँ, वो आपके विरोध में है। हमारा साथ रहेगा ना, हम उसका साथ रहेगा। नहीं, जैसे आप कांग्रेस के हैं तो वो भी युवा कांग्रेस, तो आप मतलब एक समन्वय तो होना चाहिए ना आप लोगों में। बुलाने से आता है वो, उसको पूछ लीजिए। नहीं तो उसका साथ एक सेक्रेटरी बुलता है दिल्ली में, उसका विश्व महंत ही, उसको पूछ लीजिए। कोई कोई फंक्शन क्या करता है ना, फोटो भेजता है। अच्छा, ठीक है। और अगर यूथ कांग्रेस मेरे साथ रहने नहीं चाहते हैं तो ये मेरा कसूर है? अच्छा, ठीक है, यानी आपका कोई इसमें ये मतलब ये नहीं है, लेना देना नहीं? मेरा कसूर है ना। अच्छा, आप कौन बोलते हैं? मैं सर दिल्ली से जर्नलिस्ट संतोष कुमार बोल रहा हूँ, नेशन फर्स्ट मीडिया से। अच्छा, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई थी तो हम जो है इस पे खबर कर रहे थे, तो हमने सोचा आपसे एक बार कंफर्म कर लें। इधर 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 आकर खबर ले लीजिए, सब अच्छा रहेगा। नहीं तो हमारे पास तो, देखिए सर, हमारे पास भी जो खबरें आती है वो तो ऐसे नहीं कि मतलब बिना सोर्स के तो आएंगी नहीं, कुछ ना कुछ तो है तभी तो आए। बहुत आ सकता है। अच्छा, तो कुछ वो साक्षर की झूठ है, मैं तो उसको रिप्लाई देना नहीं चाहिए, दूसरे आदमी से पूछ लीजिए। सीएलपी लीडर है, सीएलपी एमएलए लोग है, वाइस प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है। देखिए देखिए सर, उनसे हम तब पूछेंगे ना सर, जब उनसे मामला, ये मामला सीधा आपसे जुड़ा हुआ है, तो हमने सोचा आपसे फोन कर लें। मेरे तरफ से बोलना इतना है, सब बेकार बात है, झूठ है। अच्छा, मतलब जितने निकाल लीजिए। अच्छा, जितने 7-8 आरोप हैं वो सब झूठे हैं, मतलब आपको उससे कोई लेना देना नहीं। मतलब जितने हाँ, जितने आरोप बारे में पूछ लीजिए। अच्छा, सुनिए, हाँ, जो पैसा के बारे में पूछिए ना, पूछ रहा था। अच्छा, तो आप थोड़ा एसीसी ऑफिसर चेक कर लीजिए, जितेंद्र सिंह से चेक कर लीजिए, नहीं तो जितना सेक्रेटरी थे उस टाइम पर वो तो दिल्ली में कोई है, सबसे पूछ लीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। हम किसका किसी से एक पैसा भी नहीं लेते हैं। आज 15 साल मिनिस्टर भी थे, कोई भी बोल नहीं सकता आप 1 रुपया दिया। मैं किसी से पैसा लेने वाला नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है सर, चलिए अच्छी बात है। भगवान आपका आशीर्वाद से
हम अपना रोटी कपड़ा कमा सकते हैं। ठीक है, इससे पैसा लेना नहीं, किसी से प्रेसिडेंट होने के लिए भी किससे पैसा मांगना नहीं जाए, इलेक्शन होने से मतलब कुछ मांगना नहीं है, और आपका AICC दिया भी नहीं, अकाउंट देख लीजिए से, वहाँ सिर्फ MP लोग को दिया था पैसा, MLA लोग जो खड़ा हुआ था 147, एक रुपया भी दिया नहीं AICC, तब भी इलेक्शन चलाया इधर। अच्छा ठीक है, पता लगा लीजिए दूसरे। ठीक है, कोई बात नहीं सर, ठीक है, हमें आपसे ये जानकारी लेनी थी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बात है, बहुत आदमी इसे पूछ रहा था मुझे। चलिए ठीक है।